तो चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर रायपुर से आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मिली छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 6 महीने पूरे होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। प्रदेश सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 2 नई योजनाएं शुरू करेगी। अब हाट बाजारों में मोबाइल चिकित्सा और सुपोषण व्यवस्था शुरू होगी और साथ ही मोबाइल यूनिट में डॉक्टर समेत स्वास्थ्य विभाग की पूरी यूनिट रहेगी। इसके अलावा जांच और दवाइयों का वितरण भी किया जाएगा। वहीं नक्सल क्षेत्रों में पौष्टिक स्थानीय भोजन भी लोगों को वितरित किए जाएंगे। इसके लिए पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाकर परीक्षण किया जाएगा। रूपेश गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश, एक नया कीर्तिमान रचने की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार। कीर्तिमान सरकार ये दावा जरूर करती है, लेकिन सवाल खड़ा ये होता है इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा। क्योंकि अच्छी बात ये है कि बारिश के मौसम में खासतौर से नक्सली इलाके में हमने अक्सर ये तस्वीर देखी है कि नक्सली इलाके में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं क्योंकि वो इलाके बाकी हिस्सों से कट जाते हैं। लेकिन जिन इलाकों में कनेक्टिविटी होती है और खासतौर से हाट बाजार लगते हैं वहां समस्त ग्रामीण जुटते हैं, तो सरकार की ये कोशिश है कि हाट बाजारों के जरिए ग्रामीणों तक पहुंचा जाए, उन इलाकों तक पहुंचा जाए जिन इलाकों तक प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाई है। और उसी के मद्देनजर सरकार ने यह तय किया है कि इस बार चूंकि बारिश का मौसम है, दूषित पानी पीने से जो डायरिया है उसी से प्रदेश में सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है, उसके बाद मलेरिया का प्रकोप है, सैकड़ों लोग उससे मर जाते हैं, तो उस दिशा में सोचते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि हाट बाजारों में मोबाइल वैन में डॉक्टर और पूरी स्वास्थ्य अमले की टीम, पूरा अमला वहां पे मौजूद रहेगा और वो अमला स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएगा। इसके अलावा कुपोषण एक बड़ी समस्या है, खासतौर से उन इलाकों में जिन इलाकों में सरकार की पहुंच नहीं है, जहां नक्सलियों का दबदबा है, तो ऐसे इलाकों में सरकार कोशिश ये कर रही है कि पोषण खाद्य उनको मुहैया कराया जाए। पोषण में वो चीजें होंगी जो उनको खाने की फूड हैबिट में उनके होगी, कोई ऐसी चीज नहीं दी जाएगी जिसको वो नहीं खाते हैं या पसंद नहीं करते हैं, तो जो उनके लोकैलिटी में चीजें मिलती हैं उन चीजों को मुहैया कराया जाएगा ताकि जो बाल शिशु मृत्यु दर है वो और कम हो, खासतौर से उन इलाकों में कुपोषण की संख्या कम हो, क्योंकि प्रदेश में दोनों ही मामलों में उन इलाकों में खासतौर से प्रदेश के स्तर पर आंकड़े जरूर सुधर गए हैं लेकिन जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पे विकास के जितने सूचकांक हैं उन तमाम सूचकांक जो है वो पूरे विकास के दावों को मुंह चढ़ाते हैं। बिल्कुल, वही अगर रूपेश, अगर सही तरीके से अगर राज्य के अधिकारियों ने अगर इस पे इम्प्लीमेंट कर दिया तो क्यों ना इसको माइलस्टोन के तौर पर देखा जाए। फिर अगर इम्प्लीमेंटेशन जो योजना हो जाती है और जिसका फायदा लोगों की जिंदगी पर पड़ता है वो हमेशा से माइलस्टोन होता है, क्योंकि सरकार हर 5 साल में बहुत सारी बड़ी योजनाओं को लेकर के आती है लेकिन असल जो चीज होती है वो होती है उन योजनाओं को कितना अमली जामा पहनाया गया है। एक बात समझने की ये है कि दरअसल योजनाओं को जो बनाते हैं उनमें लोगों की भागीदारी कितनी होती है, क्योंकि सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी हर जगह हावी रहती है और ब्यूरोक्रेट ही उसके एग्जीक्यूशन का बड़ा पार्ट निभाते हैं, उनके साथ साथ जनप्रतिनिधि जरूर होते हैं, लेकिन अगर ये भागीदारी सुनिश्चित की जाए कि चाहे वो स्वास्थ्य का मसला हो, चाहे वो फॉरेस्ट का मसला हो या दूसरे मसले हों, जब उसको ले करके कोई योजना बनाई जाए तो उसको डिस्कस किया जाए जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं, तो उस योजना को जमीन के स्तर पर लागू करने में दिक्कत कम आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ योजनाओं में छत्तीसगढ़ सरकार ने ये कदम उठाया है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री के ग्रामीण विकास के सलाहकार प्रदीप शर्मा हैं, जो कि रिलायंस की नौकरी करने के बाद जमीन पर ग्रामीण उस नौकरी को छोड़ करके और ग्रामीण स्तर पर उन्होंने किसानों को बढ़ावा, खेती को बढ़ावा, आयुर्वेद को बढ़ावा, इन सब चीजों को लेकर के लंबा काम किया हुआ है किसानों की बिरादरी बना करके, तो उनके पास वो एक्सपीरियंस है, तो जब वो खुद जाकर के पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, उसके एग्जीक्यूशन का पार्ट दे रहे हैं, उसकी योजना को बनाने में जो अपना इंटेलेक्चुअल इनपुट है दिया है नलवा गरवा घुरुआ बारी, तो उस योजना के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब अधिकारी योजना का सलाह देते हैं, जैसे आज जो बिजली विभाग के मुखिया है उनके साथ कई अधिकारियों ने डॉक्टर रमन सिंह को सलाह दिया था कि अगर बारी में रतन जोत उगाया जाए तो उससे पेट्रोल निकाला जा सकता है, लेकिन धरातलीय स्थिति क्या है, रतन जोत में कितना ऑयल कंटेंट होता है, कितना ऑयल निकाला जा सकता है, इसका अध्ययन करने के लिए या उस सलाह को देने के लिए उनके पास कोई विषय का जानकार नहीं था, कोई वनस्पति विज्ञानी नहीं था, इसलिए
वो प्रदेश के लिए एक सक्सेसफुल नहीं हो पाई। बिल्कुल वाकई में इम्प्लीमेंटेशन बेहद इंटीग्रल रोल प्ले करता है, और हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि इन दो फैसलों से कितना फायदा प्रदेश के उन सुदूर क्षेत्रों में मिलता है जिनके लिए इन दोनों ही योजनाओं को लागू किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रूपेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो वही